Hello friends and students, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Rajbind Nirala. I am going to teach and explain you BACB Panorama English book of class 10. The chapter I have taken from poetry section, the name of the poetry is Polythene Bag. It is composed by Durga Prasad Panda. Let me explain you in Hindi. Durga Prasad Panda occupies prominent position in Oriya literature. अब यहाँ क्या कर रहा है कि दुर्गा प्रसाद पंडा occupies का मतलब होता है ग्रहण करना, स्थान बनाना, और prominent position का अर्थ हुआ ऊंचा स्थान इन ओडिया लिटरेचर का अर्थ हुआ साहित्य, अर्थात इसका अर्थ हो गया दुर्गा प्रसाद पंडा उड़िया साहित्य में एक ऊंचा स्थान रखते हैं. उसके बाद है प्राइमरली अ लिंग्विस्ट, मूलतः एक भाषाविद हैं. प्राइमरली मूलतः लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद. पंडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स उड़िया पोएम्स इंटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा. अब यहाँ क्या कहता है, पंडा ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश. पंडा जो है अंग्रेजी में पोएट्री लिखते हैं, कविता लिखते हैं. एंड समटाइम्स का मतलब हुआ कभी कभी. समटाइम्स ट्रांसलेट्स ओरिया पोएम्स इंटू इंग्लिश, कभी कभी वे ओरिया कविता को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, अर्थात अनुवाद करते हैं. ट्रांसलेट का अर्थ हुआ अनुवाद करना, ट्रांसलेशन ट्रांसलेट अनुवाद करते हैं. एंड वाइस वर्सा का अर्थ हो गया एक दूसरे के विपरीत, या हुआ उल्टे क्रम में. वाइस वर्सा मतलब दुर्गा प्रसाद पंडा अंग्रेजी में पोएट्री लिखते हैं और उसे उड़िया में ट्रांसलेट करते हैं, उड़िया में पोएट्री लिखते हैं और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, ऐसा वे करते रहते हैं. His famous works are Shavarani and Rays. उनकी जो famous माने प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, works का मतलब यहाँ काम नहीं होता है बल्कि कृतियाँ हैं, एक सवारनी है और एक रेज है. कभी एक इनकी कृतियों का नाम है, उन्होंने जो लिखा है उसका नाम है इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग. ही टचेज ऑन द प्रेसिंग इश्यू ऑफ पॉलीथीन बैग एंड द इविल कंसीक्वेंसेस इट हैज ऑन एनवायरमेंट. अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रस्तुत कविता, प्रेजेंट पोएम का मतलब हो गया ये जो प्रस्तुत कविता जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तुत कविता में कवि पॉलीथीन बैग के बारे में छिड़ी चर्चा की चर्चा करते हैं और वातावरण पर इसके दुष्प्रभावों की बात करते हैं. अब यहाँ अर्थ समझ लें, ही टचेज ऑन द प्रेसिंग इश्यू टचेज ऑन द प्रेसिंग इश्यू ऑफ पॉलीथीन बैग मतलब हो गया कि पॉलीथीन बैग के बारे में छिड़ी चर्चा की चर्चा करते हैं. एंड द इविल कंसीक्वेंसेस, इविल का मतलब होता है बुराई और कंसीक्वेंसेस का मतलब हो गया परिणाम. पॉलीथीन बैग की जो
परिणाम होती है पॉलीथीन बैग के कारण, जो वातावरण को दुष्परिणाम झेलना पड़ता है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। वैसे भी पॉलीथीन बैग वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। एनवायरनमेंट पर्यावरण हो गया। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन बिटवीन हम्बल ह्यूमन इमोशन एंड अ मंडेन थिंग लाइक अ पॉलीथीन बैग। अब यहाँ क्या कर रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीथीन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब हो गया कोरिलेशन अंतर संबंध बिटवीन ह्यूमन इमोशन मानवीय संवेदना। ह्यूमन इमोशन मानवीय संवेदना एंड अ मंडेन थिंग मामूली समानता। मामूली समानता, अब इसका अर्थ समझ लें। वैसे स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, शक्ति होता है, इसका अर्थ जान लें। इस कविता में मानवीय संवेदना तथा पॉलीथीन बैग जैसी साधारण वस्तु के बीच की विचित्र समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है, जो इस कविता की ताकत है, स्ट्रेंथ है। अब यहाँ इसमें कुछ सवाल दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन का हमें उत्तर नहीं देना रहता है, वैसे भी एक्टिविटी के लिए दिया जाता है। अब हम लोग इस कविता का अर्थ जानेंगे। पॉलीथीन बैग, यहाँ से शुरू है कविता। पॉलीथीन बैग अब देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है। हॉट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इन टू द अर्थ्स क्रस्ट। अगर हम इसका अर्थ जानेंगे, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ, तो इसका होगा हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, अर्थात अपमान एक अनोखा पॉलीथीन बैग, विच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट, धरती की पपड़ी में कभी घुलता नहीं। अब इसका अर्थ समझ लें। हर्ट, हर्ट का मतलब हो गया चोट पहुंचाना, चोट लगना। इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब हो गया विचित्र, अद्भुत। स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, अद्भुत पॉलीथीन बैग, विच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व्ड हो गया घुलना। डिजॉल्व्ड पास्ट टेंस में है, घुला, लेकिन डिजॉल्व का मतलब घुलना होता है। इनटू द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का मतलब हो गया धरती की पपड़ी में। अब हम इसको समझेंगे। कभी कह रहे हैं कि पॉलीथीन बैग जो धरती की पपड़ी के अंदर छुपा रहता है, वह हमें चोट पहुंचाता है, वह कभी नहीं घुलता है, अर्थात उस वो डिज़र्व नहीं करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। अगर पॉलीथीन को हम बाहर फेंक देते हैं और यह धरती के नीचे दब जाता है, तो महीनों वर्षों तक उसी में दबा रह जाता है। अगर पॉलीथीन बैग के अंदर हम कोई खाने पीने का सामान रख देते हैं या सब्जी फल का छिलका रख करके फेंक देते हैं बांध करके, तो वह पॉलीथीन में ही सड़ता रहता है। उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, विभिन्न प्रकार के रोग के कीटाणु वगैरह पनप जाते हैं, जो वातावरण को दूषित कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ से जाने,
अब देखिए, व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज, व्हेन बर्न्ड इट एग्ज्यूट्स अ पंजेंट स्मेल, व्हेन लेफ्ट टू इट्सेल्फ इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट। इसका अर्थ हो गया, छूने पर एक चरमराहट की आवाज़ निकालती है, जलने पर तीखी गंध, ऐसे ही छोड़ दो तो पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। टच का मतलब होता है छूना, टच हो गया पास्ट टेंस में। इट मेक्स स्क्वीकी नॉइज, स्क्वीकी नॉइज का मतलब हो गया चीख की आवाज़ या चीखने की आवाज़। स्क्वीकी का मतलब होता है चूँचू की आवाज़ संबंधी, स्क्वीकी चूँचिक चूँचू, नॉइज हो गया आवाज़। जैसे पॉलिथीन को छूते हैं तो चूँचू चींची कर की आवाज़ उससे निकलती है। व्हेन बर्न्ड जब उसे जलाया जाता है, इट एग्ज्यूट्स, एग्ज्यूट्स का मतलब हो गया टपकना या निकलना, गिरना जिसको हम कह सकते हैं। एग्ज्यूट्स पंजेंट स्मेल, पंजेंट तीखा, पंजेंट का मतलब तीखा हुआ, स्मेल माने गंध हुआ। व्हेन लेफ्ट टू इट्सेल्फ जब इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट या पोल्यूट करता है, प्रदूषित कर देता है एनवायरमेंट को, अर्थात वातावरण को प्रदूषित कर देता है। अब उसके बाद B.1 का क्वेश्चन है, B.1 का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, बता दूंगा, तत्काल इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग, जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग इज हॉट टू स्मेल्स डाउन विद अ लिटिल टच ऑफ वार्म। अब यह जो लाइन है, यह कविता के लिए, कवि के लिए कहा जा रहा है। पॉलीथीन बैग की तरह, जस्ट लाइक ए पॉलीथीन बैग का मतलब हो गया पॉलीथीन बैग की तरह, हिज हॉट्स टू स्मेल्स डाउन, उसका अपमान, विद अ लिटिल टच ऑफ वार्म्थ, हल्के गर्माहट भरे स्पर्श से गल जाता है। हम इसको ऐसे समझेंगे, जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग हिज हॉट्स टू स्मेल टू मेल्ट्स डाउन। जस्ट का मतलब हुआ जैसे, हॉट उनका जो हॉट है मतलब अपमान है, चोट है, वो गल जाता है, मेल्ट्स डाउन, मेल्ट का मतलब हुआ गलना, मेल्ट डाउन, मेल्ट्स डाउन गल जाता है। विद अ लिटिल टच ऑफ वार्म्थ, हल्के गर्माहट भरे स्पर्श से, लिटिल टच हल्के गर्माहट ऑफ, लिटिल टच ऑफ वार्म्थ मतलब हल्के गर्माहट के स्पर्श से, मतलब पॉलीथीन बैग के जैसे ही, पॉलीथीन बैग के जैसे ही उनका जो चोट है, उनका जो अपमान है, वह भी हल्के गर्माहट से ख़त्म हो जाता है। अर्थात पॉलीथीन बैग, जिस तरह से पॉलीथीन बैग को हम हल्की सी गर्मी दे देते हैं, आग का लौ दिखा देते हैं तो वो गल जाता है, उसी तरह से कवि का हृदय भी इसी तरह का है, हल्की सी गर्माहट, हल्की सी जो प्रेम, हल्का सा उनको संवेदना प्रकट कर दिया जाता है तो वो भी गल जाते हैं, वो भी पिघल जाते हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसका अर्थ हम इसी तरह से समझेंगे। अब आगे देखिए, बट डीप इनसाइड द ग्रेप्स गार्बेज बीन, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन गोइंग। अब इसका अर्थ समझे हम लोग, बट डीप इनसाइड द ग्रेप्स गार्बेज मतलब, लेकिन दुख की कचरा पेटी में,
फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, सबकी नज़र बचाकर, द जर्म्स ऑफ द डिजीज, रोग के कीटाणु, कीप ऑन ग्रोइंग, फलते फूलते रहते हैं। डीप का मतलब हुआ गहरा, इनसाइड का अंदर हो गया, ग्रिफ ग्रिफ का मतलब हो गया शोक, गहन दुख। गार्बेज बीन, गार्बेज बीन का मतलब हुआ कचरा का पात्र, मतलब जिसमें कचरा रहता है। फार अवे बहुत दूर, फार अवे बहुत दूर, फ्रॉम एवरीवन्स गेज। अब गेज का मतलब होता है दृष्टि, है ना, सबकी नज़र से, सबकी दृष्टि से। तो जर्म्स, जर्म्स का मतलब हुआ जीवाणु, कीटाणु। अब द डिजीज, रोग, डिजीज का मतलब रोग। कीप ऑन ग्रोइंग मतलब पनपते रहते हैं। कीप ऑन का मतलब हुआ जारी रहना, मतलब रोग के कीटाणु, रोग के जीवाणु क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि बट डीप इनसाइड द गार्बेज बिन, पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन कचरा के ढेर में, कचरा के पात्र के पात्र में छुपा रहता है, रखा रहता है, या वह किसी कारण बस पड़ जाता है, या हम ही उसको वहाँ फेंक देते हैं, हम लोग ही। उसके अंदर रोग की कीटाणु पलते रहते हैं, हम उसे देख नहीं पाते हैं, हमारी दृष्टि से वो ओझल हो जाता है, और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वातावरण को वो प्रदूषित करता रहता है। इसका अर्थ यह है, ये पूरा कविता का मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एक सांस में मैं सारांश बता दूंगा। अब आगे देखिए, द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन। अब यहाँ क्या करा है, पॉलिथीन बैग भीतर ही दफन रहता है, मतलब पॉलिथीन बैग रिमेन का मतलब हो गया रहना, विद इन भीतर ही। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हॉट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, केवल अपमान का दंश बार बार वापस आकर पीरा दे जाता है। पेन मतलब हुआ दर्द हो गया कस्ड, पैदा, HURT, हर्ट, अपमान, चोट। कीप्स कमिंग बैक, जो कमिंग बैक वापस आना, जो आता है अगेन बार। अब देखिए, पूरी ही कविता का भावार्थ और सारांश हम ऐसे जाने, सारांश समझ लीजिए। पॉलिथीन बैग दुर्गा प्रसाद पंडा द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने पॉलिथीन के मुद्दे पर वातावरण में उसके बुरे परिणाम का वर्णन किया है। उन्होंने मनुष्य की भावनाओं एवं पॉलिथीन जैसी वस्तु के बीच संबंधों को दर्शाया है। जब हम बाज़ार जाते हैं तो खरीदे गए सामान को लाने के लिए पॉलिथीन बैग की आवश्यकता होती है। यह पॉलिथीन बैग धरती की परत में कभी भी गलती नहीं है। जब हम इसे छूते हैं तो एक प्रकार की चीख की आवाज़ सुनाई देती है, और जब इसे हम जलाते हैं तो जहरीली गंध आती है। तब कह रहा है पंजेंट स्मेल, छूने पर स्क्वीकी नॉइज़ आती है और जलाने पर पंजेंट स्मेल, मैंने जहरीली गंध आती है। जब इस पॉलीथीन को छोड़ दिया जाता है तो यह आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित कर देता है। ठीक पॉलीथीन की तरह ही कवि का दुख भी पिघल जाता है जब वह थोड़ी सी गर्मी पाता है। परंतु कवि को दुख इस बात का है कि कचरे दान में पड़े हुए कचरे की ओर ध्यान किसी का नहीं जाता है। मतलब पॉलीथीन बैग जो है कचरा में रहता है, कचरा दान में रहता है, हमारी उस पर नज़र नहीं जाती, हम मुंह फेर लेते हैं, हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन वो हमारे बहुत करीब आता है और हमें रोग दे जाता है।
कोई उसे गौर से नहीं देखता है, जो बीमारी के कीटाणुओं को बढ़ाता है। पॉलीथीन बैग उसमें गड़ा रहता है, एक प्रकार का दर्द कभी महसूस करता है जो बार बार आता है। इस तरह से इस कविता का सारांश भी समाप्त हो गया। अब मैं बी पॉइंट टू से लेकर के जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, सब क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं बोर्ड पर इसे पढ़ाऊंगा, बता दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना उस तरह से बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी पोएट्री सेक्शन से पढ़ाना शुरू कर दिया हूं। पोएट्री सेक्शन के बाद प्रोज बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं सप्लीमेंट्री रीडर का जो भी चैप्टर है उसका मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ग्रामर भी बताऊंगा। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के रूप में मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।